हेलो दोस्तों, किरत के सीरत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि SBI की साइट में बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं। बेनिफिशियरी मतलब वो पर्सन जिसको आपने पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। बेनिफिशियरी का अकाउंट SBI का भी हो सकता है और किसी दूसरे बैंक का भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको SBI के बेनिफिशियरी को ऐड करने के बारे में बताऊंगा। इस सबसे पहले पेमेंट ट्रांसफ़र के बटन मेनू में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये विंडो खुलती है, इस पर अकाउंट्स ऑफ ओदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक हेयर टू न्यू ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करते ही वो प्रोफाइल पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे हम प्रोफाइल पासवर्ड डालेंगे। मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालने जा रहा हूँ। इसे में ये विंडो हमारी खुल गई। बेनिफिशियरी का नाम, जो भी नाम आप ऐड करने जा रहे हैं, मैं कोई भी किसी को ऐड कर लेता हूँ मैं। फिर उसका अकाउंट नंबर, उसका जो भी उसका अकाउंट नंबर है, कन्फर्म अकाउंट नंबर दोबारा डालूंगा। अगले कॉलम में लिमिट सेट करनी है, जितने भी पैसे उसको ट्रांसफ़र करने हैं उसकी लिमिट। ये लिमिट आप फ्यूचर में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई भी जितनी भी आपने लिमिट रखनी है उसको रख सकते हैं। हाँ, इसको सबमिट कर देंगे। ये आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया। ऐड होने के बाद इसको अप्रूव करना पड़ता है। आपके मोबाइल में मैसेज आएगा अप्रूव करने के लिए, इसको अप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ मैं अप्रूव नाउ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही ये अप्रूव बेनिफिशियरी, यहाँ पे अप्रूव बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी दो तरह से अप्रूव होता है। आप अपने ATM कार्ड से भी अप्रूव कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे मैसेज मंगवा के OTP के रास्ते से भी कर सकते हैं। मैं OTP पे क्लिक करता हूँ तो उसने OTP मेरे मोबाइल पे सेंड कर दिया होगा। मैं OTP यहाँ डालूँगा। ये अकाउंट था जो मैंने बनाया था, इसको अप्रूव करूँगा मैं। ये अप्रूव हो गया, PC जोन के नाम से अकाउंट अप्रूव हो गया। अभी बैंक ने इसको, SBI ने इसको एक्टिवेट नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको 4 घंटे बाद बैंक इसको अप्रूव करेगा। व्यू में जाके आप इसको देख सकते हैं। ये मेरे कुछ पहले से ऐड किए हुए हैं, जो भी मैंने ऐड किया उसकी एक्टिवेशन अभी पेंडिंग है। तो इस तरह से हम अपना कोई भी बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।